अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हुमा वकार और आज की वीडियो जो है इंग्रेडिएंट देख के आप समझ गए होंगे इस वाली बॉटल से कि ये हेयर का कुछ ट्रीटमेंट है, रेमेडीज़ है। आजकल मौसम जो है वो कराची का बहुत अजीब सा है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, सर के अंदर इतना डैंड्रफ हो रहा है जिसकी वजह से बाल कमज़ोर होकर टूट रहे हैं, अक्सर लोगों के, मेरे भी अक्सर टूट रहे हैं। कोकोनट ऑयल माय फेवरेट, सबको पता है। एप्पल विनेगर क्यों इस्तेमाल हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये वाली बॉटल यूज़ करनी है, इससे डायरेक्ट आपके ये स्कल्प पे यानी कि आपके जड़ों में जाएगा। ये कोकोनट ऑयल हमेशा जो ड्राइनेस हो या कोई स्किन ख़राब हो रही हो स्पेशली डैंड्रफ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये, और बहुत इजी टू यूज़ होता है और जल्दी निकल भी जाता है शैम्पू में से, कोई ऐसा मसला नहीं होता। कोकोनट ऑयल फेस पे भी लगा सकते हैं आप, इस पर बॉडी पे मसाज करें, इसकी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। लेकिन ये एक प्योर होना चाहिए कोकोनट ऑयल, और एप्पल विनेगर ये सबसे अच्छी ब्रांड है। एप्पल विनेगर हमारे स्कल्प के अंदर जो ड्राइनेस होती है उसको कोकोनट ऑयल के साथ मिलके बहुत अच्छा हेल्प करता है। मैं आपको एप्पल विनेगर पे एक डिटेल वीडियो भी इंशाल्लाह दूंगी जिसमें मैं एप्पल विनेगर किस किस जगह हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इससे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। जो लोग रेमेडी यूज़ करें या कोई उनको कोई हेयर फॉल के रिलेटेड कोई बात पूछनी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर जो लोग पूछना चाहते हैं कि ये वाली बॉटल कहाँ से मिलेगी तो भाई आज और से देख लें आप लोग। ये लॉरल की ना हेयर डाई है, उसके साथ ना ये बॉटल आती है। अब आपके घर में अगर कोई हेयर डाई यूज़ करता है तो एक दफ़ा उसको ये वाली हेयर डाई यूज़ करवा दें तो उसके बाद फिर ये बॉटल आपकी। लेकिन इसमें ये है कि ये जड़ों तक जाती है इसके अंदर, इतनी अच्छी इस बॉटल की बात है कि ये देखिए इसके अंदर ये सुराख है, ये आपकी जड़ों तक पहुंच जाते हैं, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं होता। मुझे हमेशा हेयर ऑयल लगाने में बहुत आसानी रहती है, कभी भी कोई हेयर मास्क लगाना होता है तो मैं खुद बहुत इजीली इसलिए लगा लेती हूँ कि मैं इस बॉटल को यूज़ करती हूँ। अगर थिक मास्क होता है तो मैं हाथों से लगा लेती हूँ, और अगर कोई लिक्विड जैसे एग वाइट का मास्क होता है तो फिर मैं इसकी हेल्प से लगाती हूँ। कोकोनट ऑयल आप लोगों को थोड़ा सा हॉट करके उसके बाद ठंडा कीजिए, फिर आप इस बॉटल में डाल लें। ये मैं एक टाइम का बता रही हूँ कि एक दफ़ा में ये इतना ऑयल मेरे सर में लग जाता है तो मेरे बाल लंबे हैं। जब इतना ऑयल होगा तो इसके अंदर ये जो ढक्कन है ना, मैं चम्मच के हिसाब नहीं बता रही, दो ये ढक्कन इस ऑयल में डालने हैं। इस ऑयल में डाल के आपको इसको बहुत शेक करना है, बहुत ज़ोर से अच्छे से मिक्स करके इसको शेक कीजिएगा पकड़ के ऊपर से, वरना इसकी एक और निब भी आती है उसको लगा के शेक कीजिएगा। फिर इसके बाद इसको अपनी जड़ों में इसकी हेल्प से, इस वाली चीज़ की हेल्प से अपने सर की जड़ों में लगाइए और फिर इसको हाथों से मसाज कीजिए। आपने इन दोनों को मिक्स करके इसमें करके मसाज करनी है 5 मिनट कंटिन्यूसली। आपने अपनी ये हाथों की टिप्स होती है ना, इन टिप्स से आपने मसाज करनी है ऐसे करके। जितनी अच्छी मसाज आप देंगे अपने हेड को उतना ज़्यादा रिलैक्स भी होंगे, और जो कुछ डेड स्किन होगी ना वो थोड़ी सी ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर अपने पूरे बालों में ऊपर से नीचे तक अच्छे तरीके से आप ये ऑयल लगाएं और इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 घंटे में ये अच्छे से आपकी स्किन को नरम कर देगा, और थोड़ा सा जो कुछ डेड स्किन या कोई फंगल कुछ हो रहा होगा, क्योंकि जब डैंड्रफ होता है तो अंदर डेड स्किन कुछ फंगल इन्फेक्शन टाइप की चीज़ हो रही होती है सर के अंदर, तो ये उसमें हेल्प करेगा आपको। फिर आपने क्या करना है कि आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पैंटीन है या फिर सनसिल्क है, गार्नियर है, कोई सा भी जो भी आप यूज़ करते हैं, आपने वो शैम्पू यूज़ करना है। लेकिन वो इस तरह से यूज़ करना है कि आपने उसको ऑयल पहले आपने जो मसाज किया हुआ था 2 घंटे बाद आपने वो शैम्पू करना है, और कंडीशनर नहीं करना है। आपने कंडीशनर की जगह ये एप्पल विनेगर है, इसका एक ढक्कन
एक जैसे नहाने वाला मग्गा होता है ना, उसमें पानी में डाल के इसको डाइल्यूट करके एंड में आपने अपने सर पे डाल लेना है। उसके बाद कोई पानी नहीं डालना है आपने, बस आपने वो डाल के और अपने बालों को निचोड़ लेना है। उसके बाद आपने उसको लगा ही रहने देना है अंदर। फिर ऐसे बातें बाल ड्राई होंगे, तो आप जब बाल ड्राई होंगे ना, तो फर्स्ट मास में ही आपको इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एप्पल विनेगर जो है वो बालों को कंडीशनर भी करता है। बहुत ज़बरदस्त यूज़ है। मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो आएगी है वो एप्पल विनेगर पर होगी, और एप्पल विनेगर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आप अपनी फेस पे, सर पे मैनीक्योर करना हो या जो भी आपका मसला हो, वेट लूज़ करना हो, तो उसमें एप्पल विनेगर को आप किस तरह यूज़ कर सकते हो। और गौर से देख लें इसकी बॉटल, किसी अच्छे स्टोर से बाय कीजिएगा जहाँ ये अच्छा विनेगर आपको मिले। दो नंबर बिल्कुल नहीं विनेगर लीजिएगा, अच्छा विनेगर ज़रूर लीजिएगा यूज़ करने के लिए। और मसाज करें, अगेन ये देखें बॉटल देख लें, ये अपने बालों के हिसाब से आप जब आपने यूज़ करना हो तभी आप इसको मिक्स करके बनाएं और यूज़ कर लें। पहले से बना के मत रखिएगा, पहले से बना हुआ होगा तो उसका वो विनेगर और कोकोनट ऑयल शायद ख़राब हो जाए, कुछ मसला ना हो जाए। इसलिए मैं तो फ्रेश बनाती हूँ, फ्रेश यूज़ करती हूँ। हमेशा फ्रेश बनाएं और फ्रेश यूज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें जब रेमेडी यूज़ करें। प्लीज़ आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और एक और कमेंट ज़रूर करें कि मेरी वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ देख रहे हैं, कौन किस जगह बैठ के देख रहा है, यानी कि किस कंट्री, किस सिटी, किस एरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।